अज़ीज़, आप काफ़ी ट्रेनिंग करा रहे, तो आपने मेंशन किया कि आपके अंडर, आपकी सरपरस्ती के ऊपर एज अ कोचिंग स्टाफ, आपने जो बच्चा जो बेस्ट लेकर गए उसने कहाँ तक पार्टिसिपेट किया? मेरे जो लास्ट स्टूडेंट थे वो सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट किए। अच्छा, सैफ गेम, ये जो लास्ट जो नेपाल में हुई है, ये नेपाल में जो हुई थी। अच्छा, उसमें वो मेडलिस्ट है रिले का पाकिस्तान। क्या नाम है उनका? मेहरवान पटेल उस बच्चे का नाम। माशाल्लाह, वो कराची से है? कराची से है। दैट्स गुड, चलो अल्लाह उनको कामयाबी दे। कार्ड होल्डर भी हुआ है शॉर्ट कोर्स का पाकिस्तान से। अब ये ब्रेस्ट स्ट्रोक के जो बकाया सेकंड अंडर 12, इसमें लग रहा है कि जो टाइम है ना 50 के करीब जाएगा, ये 1 मिनट के पास जाएगा शायद, क्योंकि बच्चों की जो स्पीड नजर आ रही है। जो फोर्थ नंबर पे है ना, यानी सेकंड वाला भी अच्छा। मैं आपको एक बताता हूँ, कुलिया समझने के एक फार्मूला है कि ये फॉर एग्जांपल ये 50 मीटर का पूल है ना। जी जी। तो जो 50 मीटर के 25 का जो आपको टारगेट नजर आ जाएगा जी, वो अगर फॉर एग्जांपल 30 में किया है तो इसका मतलब 1 मिनट से ऊपर जाएगा या उसमें 30 है ना, तो 5 सेकंड उसमें ऐड कर ले, ऐड कर ले तो जो स्टार्ट का है जी जी, वो जो उसका प्लस टाइम उसने डाइव में क्लोज किया वो 5 सेकंड इनसाइड के ऐड कर ले। ठीक तो है, मतलब 30-31 मिनट और 5 सेकंड ऊपर ऐड कर ले, 105 में जाएगा, 105 तक जाएगा। बिल्कुल सही कहा, सही। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में होता है रिएक्शन टाइम्स, तो उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं जिसका हमने 30 बताया था वो 105 में जाएगा, ये बच्चा पहले आ गया। हाँ, ये पहले आ गया। वो 30 वाला वो लेफ्ट साइड पे जो अभी आ रहा है जी, हाँ वो सो वो मिड में था, 25 मीटर हो चुका हुआ था। सो ये देखें, फिर भी अगेन लाइक आपको कंपटीशन करते हैं तो पता चलता है कितना डिफरेंस है एक दूसरे के अंदर। वो देखें, आपने जो बात की, जो वन हुआ है वो 58 सेकंड पे हुआ है, और जो अब दूसरी बात कर रहे थे जो अभी वो भी चल रही है, 107 में सेकंड बचा, देखें 105 बोला था।